ये जो हमें एक लॉलीपॉप दिया गया था, ये जी हमारे मुल्क में अब सी पैक है वो गुजरेगा जी, चाइना जो है उसकी बस जो है वो तोते की गर्दन हमारे यहाँ आ गई है, तो अब हम उसको जब भी मरोड़ेंगे बस उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। तो वो बहरहाल पीरियड अब ख़त्म हुआ जी, तो अब ना तोता रहा ना उसकी गर्दन हमारे यहाँ रही है। उसकी वजह यह है कि अब कल ही एक एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है कि सी पैक के बहुत सारे जो प्रोजेक्ट थे उनकी एक्सटेंशन देने से इनकार कर दिया है चाइना ने। उन्होंने कहा जी अब कोई उसकी एक्सटेंशन नहीं दे रहे और उसके कोई पैसे जैसे अब नहीं बढ़ रहे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि यहाँ पर हमारे जो पॉलिटिकल जमात हैं, जो बड़ा इलीट भी है हमारी, वो पॉलिटिकल इलीट के साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट की जो इलीट है, उनको ये बात रास नहीं आ रही थी कि चाइना जहाँ से गुजरे। तो ज़ाहिर है अब उसके मुख्तलिफ ज़राए से कभी आप गिलगित के अंदर तनाज़े शुरू करा देते हैं और चाइना को कहा जाते हैं देखें जी अब तो चाइना गिलगित के अंदर तनाज़े चल रहे हैं, पॉलिटिकल तनाज़ा है, सियासी तनाज़ा है, कभी मजहबी तनाज़ा है, तो आप यहाँ से हमारे लिए मुश्किल है। फिर कभी कभी आप वहाँ पर उनके इंजीनियर के ऊपर अटैक भी हो जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मेल मिला के अब चाइना ने ख़ुद उनको समझ आ गई है कि हमें इस साइड से नहीं जाना चाहिए, तो हमें थोड़ा सा जिसको कहते हैं मगरब की तरफ जाना चाहिए। अब वो चाइना की सॉरी अब अफगानिस्तान की साइड से वो चीज़ें कुछ ज़्यादा देख रहे हैं, ईरान के साथ उनके मामला ज़्यादा बेहतर चल रहे हैं। अफगानिस्तान तालिबान ने उनको कहा है कि आप जिस तरह कहेंगे हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, वो उनके साथ कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जी क्या हो रहा है जी, वो चीनी की 10 बोरियाँ पकड़ी गई हैं, जो बिजली चोर थे वो 10 बिजली चोर जो है पकड़े गए, और पकड़े किसने हैं जी, वो पुलिस ने और वापडा ने। ये खुद चोरी और डकैती और बेईमानी के अंदर हमारे यहाँ पहले नंबर पर है, ये खुद अब चोरों डाकू को पड़ रहे हैं। तो मैं ये क्या चीज़ें, ये इसके लिए कोई पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है, ये तो इनका काम है लोगों को आप डंडा दे कर रखें ये खुद करते रहेंगे। अब ऐसे वाले से इतना बड़ा शोर मचा देना जी, अब जी मुल्क के अंदर बस जी चोरी ख़त्म हो जाएगी, अब जो स्टॉक जो चीज़ें स्टॉक करते हैं वो होना ख़त्म हो जाएंगी, ये चीज़ें चलती रहती हैं, आपका काम भी नहीं है। आप जिसको कहते हैं ना कि आप उल्टे हो जाएं, आप इन चीज़ों को नहीं रोक सकते, क्योंकि आप खुद ये चीज़ें कर रहे होते हैं ना, तो लोगों को पता होता है कि यहाँ पर कौन कौन बंदा कर रहा है। अगर आप नहीं कर रहे तो आपका दोस्त कर रहा होता है, आपका जानने वाला कर रहा होता है। ये जितने सहाफ़ी बड़े बड़े हैं ये कौन से काम करते हैं, ये सारे यही काम धंधे करते हैं। ये जितने ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं ये सारे यही काम करते हैं। तो इन चीज़ों से छोड़ कर ये जो मेन चीज़ें, अब सी पैक बंद हो गया है ऑफिशली, मुझे लगता है कि अगले साल तक वो बंद हो भी जाएगा, अब उसके अलावा से कोई नई अपडेट नहीं हो रही, इसलिए तो मसाइल चल रहे हैं यहाँ पर, इसलिए तो यहाँ पर बेरोज़गारी बढ़ रही है। पहले कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, उसके अंदर लोग काम भी कर रहे थे, आपने इल्ज़ाम लगाया ये पिछले 1.5 साल, उससे पहले 3 साल, 3 साल तो बहरहाल कुछ ना कुछ चलते रहे, हो सकता है उसी दौर में ही चीज़ें बंद होना शुरू हो गई, ठीक है। लेकिन अब तो बहरहाल आपके ही दौर के अंदर आके सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, ऊपर से जो है वो जो $20, $25, $50 बिलियन, $100 बिलियन वो आने थे वो नहीं आने वाले। वो मैंने पहले भी कहा था कि कहने के लिए आप $1,000 कह देते, वो पैसे नहीं आने वाले। हमारी हरकत ऐसी हैं, हमारे एटीट्यूड ऐसे हैं, दुनिया देखती है, वो चाहे खुद जिसको कहते हैं वो डेमोक्रेटिकली बेहतर ना हो, वो वहाँ डेमोक्रेसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बहरहाल लोग जो है कुछ चीज़ों के ऊपर बिलीव करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने तो सबका हशर नशर कर दिया है, कोई बंदा सांस नहीं ले सकता, फीमेल औरतें जो है वो जेलों में पड़ी हुई है, कोई केस सुनने वाला नहीं है। तो कल यहाँ पर कोई अगर इन्वेस्टर आ भी जाए तो आप उसके ऊपर एक चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, वैसे ही कह दें जी इस बंदे ने फलां से बकरी चोरी कर ली है, तो आपको तो पता नहीं है ना, आप तो कुछ भी इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो वो बिजनेसमैन तो फिर ज़िंदगी सारी ये साबित करता फिरता फिर जी मैंने चोरी नहीं की है बकरी, ठीक है ना। तो इस तरह से जिस जो सारे हरकतें किए हैं हमारे जो पॉलिटिकल एलीट है या उसे भी बड़े लोग हैं, जितनी भी हरकतें की हैं अब उसका खमियाजा जो है वो हमें नज़र आ रहा है। सी पैक भी बंद हो रहा है, बस उसके बाद सांसें बंद होनी बाकी हैं, वो कुछ लोगों की बंद हो रही हैं, कुछ को खुदा कर रहे हैं, कुछ के आप लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि वो सांस लेना बंद कर दें, क्योंकि वो किसी और के साथ हैं, वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं। सर आपको ज़ाहिर 88% आपकी जिसको कहते हैं कि फेवर है, इतनी तो किसी की भी नहीं है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, फ्रस्ट्रेट ना हो, आराम से इलेक्शन कराएं, बिल्कुल एंजॉय करें अपनी लाइफ को भी, अपने इदारे को ज़्यादा बेहतर और अपने दिफा को बेहतर करें,
बेहतर अंदाज में चलाएं। ये कुछ लोगों ने सिर्फ कुछ इदारे को वैसे ही एक इमेज दिया हुआ है, नहीं जी आपकी इमेज ख़राब होगी ख़राब होगी, सर कोई इमेज में ख़राब नहीं होगी, आपकी इमेज सबसे बेहतर है, बेहतरीन इमेज है, लोग आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, कदर की निगाह से देखते हैं। ये फैसला आपने करना है कि वो कब तक ये इज़्ज़त और आपकी कदर करते रहेंगे। तो इलेक्शन करा दें, जो भी लोग हैं बड़े हैं आप कह सकते हैं हमारे इख्तियार में वीडियो बनाना है, आपके इख्तियार में डंडा दे के कराना है, तो आप वो कर दें, जितने भी सियासी जमात हैं उनको बिठा लें, नहीं बैठते दफ़ा करें, जो अपने अपने घरों में बैठे वहीं पर उनको बात कह दें कि अब यहाँ से इलेक्शन स्टार्ट होंगे, जो करना है करते रहें, एक चोर बन जाए, एक डाकू बन जाए, एक बेईमान बन जाए, एक यहूदी बन जाए, एक मुसलमान बन जाए, एक मुनाफिक बन जाए, एक तालिबान बन जाए, तो यहाँ पर जो भी है एक एक किसी को बांट दे के दे दे, बड़ा इलेक्शन तो करा ही देना, ठीक है ना। तो लोगों को तो अजाब में डाले, आपने अपने अपने जिस जिसको जो जो टाइटल देना है, पर्ची डालने, मुझे कहते हैं पर्ची डालने, जिसके जिम्मे लगाएगा जी आज से फलां बंदा, इसको आज से हम मुनाफिक कहेंगे, इसको हम गदार कहेंगे, इसको लोटा कहेंगे, इसको हम यहूदी कहेंगे, इसको तालिबान कहेंगे, इसको मौलवी कहेंगे, इसको नायल कहेंगे, इसको करप्ट कहेंगे, तो बहरहाल वो डाल लें, तो इलेक्शन बहरहाल करा दें, इससे बहरहाल मुल्क की बेहतरी होगी, इकॉनमी की बेहतरी होगी, रोज़गार चल पड़ेगा, बाकी आपके कारोबार भी चलते रहेंगे, बाकी जितने भी हैं वो सारे चलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।